जिन लोगों को कमर से लेके पूरी टांग में दर्द रहती है, इस दर्द को ख़त्म करने के लिए बड़ा ही आसान एक घरेलू टोटका आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इसके इस्तेमाल से 7 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह ये जो आपकी दर्द है कमर से लेके पूरी टांग वाली जो दर्द है ना, ख़त्म हो जाएगी, पुरानी से पुरानी दर्द। अच्छा, ये दर्द होती क्यों है? काफ़ी सारे लोगों को कुछ समझ में नहीं आता, बस कोई मसला होता है फ़ौरन वो डॉक्टर्स के पास भागना शुरू कर देते हैं, ये वो चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। देखें, कोई भी बीमारी आपके जिस्म में बिला वजह दाखिल नहीं होती है, उसकी कोई ना कोई बहुत ही बड़ी वजह होती है, ठीक है। तो वीडियो आगे शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर लाजमन करना, ठीक है, क्योंकि मेरा अपना प्रोडक्ट्स का ब्रांड होने के बावजूद मैं आप सबके लिए टोटकों वाली जो वीडियोज़ है ना, आप ज़्यादा वो बनाती होती हूँ अपने प्रोडक्ट्स के ब्रांड को छोड़कर, ठीक है। तो इस वीडियो को सदका जारिया समझ के लाजमन शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं अपनी तरफ से एक नेकी का काम कर रही हूँ। आज के महंगाई के दौर में आपको पता है हर बंदा दवाइयाँ अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। जिनको अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा दिया है वो तो दवाइयाँ वगैरह अफोर्ड कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स भी जा सकते हैं, और जो बेचारे गरीब हैं वो कहाँ जाएँ, ठीक है। मैं अपने ब्रांड को साइड पे रख के ज़्यादा से ज़्यादा टोटके जो हैं आप सबके साथ शेयर करती रह जाती हूँ, ठीक है। तो आज का जो हमारा टोटका है वो ये है, टोटका शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये अक्सर कुछ लोगों को कमर से ले के, कभी सीधी टांग होती है कभी उल्टी टांग, कमर से ले के पूरी टांग में दर्द रहती है। ये दर्द होती क्यों है? ये ज़्यादातर बाईबादी चीज़ें खाने की वजह से होती है, जैसे कि कुछ लोग आलू बहुत ज़्यादा खाते हैं, कुछ लोग समोसे बहुत ज़्यादा खाते हैं, समोसे हो गए, पकोड़े हो गए, या फिर पराठे हो गए, या फिर चावल हो गए, उबले हुए चावल हो गए, बिरयानी पुलाव, ठीक है, ये जो चटपटे बाहर के खाने हो गए, ये जो बाईबादी खाने होते हैं ना, इन ये खाने खाने की वजह से, ठीक है, अक्सर ये लोगों के साथ मसला पेश आ जाता है कि यहाँ से दर्द उठती है और पूरी टांग में दर्द उनके रहती है। वो फिर डॉक्टरों के चक्कर काटते रहते हैं, उनको समझ ही नहीं आता कि करना तो करना क्या है, ठीक है। तो आज एक ऐसा आपको घरेलू टोटका बताने जा रही हूँ, आप इसको इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह मेरे अल्लाह पाक की करम से आपका ये जो मसला है ना, हल हो जाएगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आज का जो हमारा घरेलू टोटका है उसकी तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि आपने बाईबादी चीज़ें नहीं खानी, डिटेल में उनके नाम भी बताए हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपने सबसे पहले खाना बंद कर देनी है। उसके बाद घरेलू टोटका क्या है जो आपने इस्तेमाल करना है डेली रात को, ये करना सिर्फ़ और सिर्फ 7 दिन है, इससे ज़्यादा आपको इस्तेमाल करने की नौबत ही नहीं आएगी। ये सिर्फ़ और सिर्फ 7 दिन इस्तेमाल करना है, ये 5 और ये 2, ठीक है, 7 पूरे हो गए। 7 दिन आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह मेरे अल्लाह पाक के करम से आपकी ये जो दर्द है ना, ख़त्म हो जाएगी। करना ये है कि डेली रात को सोने के टाइम, जब आपको लगे कि आपने खाना पीना सब कुछ कर लिया है, ठीक है, आपके सोने का टाइम हो गया, सोते टाइम आपने 1 गिलास नीम गर्म पानी दूध का लेना है, ठीक है, 1 गिलास नीम गर्म दूध का लेना है, ठीक है। उसके साथ आपने साबुत 3 काली मिर्चें लेनी हैं, ठीक है, ये जो काली मिर्चें होते हैं ना, काली मिर्चें साबुत लेनी है, पिसा हुआ नहीं लेनी, 3 गिनती से लेनी है, सिर्फ और सिर्फ 3 गिनती से गिन के आपने काली मिर्चें ले लेनी है, मुँह के अंदर डालनी है, हल्का सा चबाना है, ऊपर से आपने 1 गिलास दूध का पी लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने सो जाना है, सिर्फ और सिर्फ 7 दिन आप इसी तरह से जो घरेलू टोटका ये मैंने आपको बताया है ना, 1 गिलास दूध का और 3 ये काली साबुत मिर्चें, ठीक है, काली साबुत मिर्चें जो गोल गोल होती हैं वो बताई हैं मैंने, ये आपने डेली रात को 3 खानी है, ठीक है, सोते हुए, और ऊपर से 1 गिलास नीम गर्म दूध का पीना है। 7 दिन करें, इंशाल्लाह ये जो आपका यहाँ से दर्द उठता है पूरी टांग में रहता है, बड़े बड़े इलाज करवाते हैं ख़त्म नहीं होता, तो ये दर्द आपका 7 दिन के अंदर अंदर ही जड़ से ख़त्म हो जाएगा, ठीक हो गया। ये दर्द ज़रूरी नहीं है कि बुज़ुर्गों के साथ हो, ये दर्द किसी को भी हो सकता है। बहन मतलब काफ़ी सारी मतलब मेरी बहनें होती हैं जो मतलब 15 साल 16 साल 18 साल 19 साल 20 साल, मतलब किसी भी एज में ये दर्द किसी को भी हो सकता है, इसलिए इसको सभी इस घरेलू टोटके को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक हो गया। छोटे बच्चों 15 साल से जो कम है वो इसको हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सदका जारिया समझ के लाजमन शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, ठीक है। बाकी वीडियो को शेयर करने का बोलती हूँ,
वीडियो को डाउनलोड करके फेक अकाउंट बना के वहाँ पर लगाने का मैं नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मेरा अपना प्रोडक्ट्स का ब्रांड है, मेरे पास जो है ट्रेडमार्क है, ठीक है। मेरा जो ब्रांड है वो गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड है। जब भी कोई फेक अकाउंट बनाकर मेरी वीडियोस को डाउनलोड करके लगाता है, उनके पूरे के पूरे अकाउंट्स ब्लॉक हो जाते हैं। तो ये गलती आप लोग हरगिज़ ना किया करें, ठीक है। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लेकिन जो है मेरी वीडियोस को डाउनलोड करके कभी भी मत लगाएं, ठीक है। कानूनी तौर पे एक्शन भी हो लिए जा सकते हैं, जो ज़्यादा ज़्यादा कुछ लोग इस चिड़ में पड़ जाते हैं, फेक अकाउंट बना लेते हैं कि ये वायरल हो रहा है, इसकी वीडियोस को डाउनलोड करके हम फेक अकाउंट बनाएं। तो देखिए यहाँ पर बड़े बड़े जिनके पास ट्रेडमार्क होता है ना, ये फिर कानून तौर पे एक्शन भी लिए जाते हैं उनके लिए। तो ऐसा काम हरगिज़ आप ना किया करें। मेरा तो क्या कि कोई भी आप प्रोडक्ट का किसी का भी ब्रांड देखते हैं, उनकी वीडियोज़ को कभी भी डाउनलोड करके ना लगाएं, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास काफ़ी अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स भी हैं। मैंने आपको जैसे कि बताया कि मेरा अपना प्रोडक्ट्स का ब्रांड है, उस ब्रांड में कौन कौन सी प्रोडक्ट हैं। फेशियल किट मेरे पास है, ऑल स्किन टाइप के लिए बहुत अच्छी है। स्किन पॉलिश भी उसके साथ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, इतना अच्छा उसका रिजल्ट है। फेस वाइटनिंग क्रीम है, ठीक है, जो सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त है। डैमेज स्किन को आप मतलब जिन लोगों की फार्मूला क्रीम लगाने से क्रीम जिल्द की लेयर उतर गई है, जिल्द को रिपेयर करने के लिए वो बहुत अच्छी है। कलर को भी फेयर करती है, साथ साथ आपकी जो जिल्द उतर चुकी है उसको भी रिपेयर करती है, ठीक है। और इसके अलावा मेरे पास नेक एंड फिट वाइटनिंग क्रीम है, फेस वॉश है, और छाया पिगमेंटेशन के लिए मेरे पास क्रीम है, एक्नी पिंपल्स के लिए मेरे पास क्रीम है, ठीक है। और इसके अलावा मेरे पास फेस वॉश है, स्किन टोनर है, आईज डार्क सर्कल सीरम है, जिससे डार्क सर्कल भी आपके ख़त्म होते हैं, झुर्रियाँ भी ख़त्म होती हैं, ठीक हो गया। और इसके अलावा एलोवेरा साबुन, नीम साबुन, उबटन साबुन है मेरे पास, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप हमारी कोई भी प्रोडक्ट हमसे बाई करना चाहते हैं, तो फेसबुक पेज की प्रोफाइल में जाएं, वहाँ इंस्टा आईडी का लिंक हमने मेंशन किया हुआ है, तो वहाँ पे आके हमें इनबॉक्स करें। जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए होगी आप हमें बताएं, उसकी कंप्लीट डिटेल आपको दे दी जाएगी। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यूट्यूब चैनल पर सर्च करके नाम है इकरा असद ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स, जिस नाम से हमारा फेसबुक पेज है इसी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल भी है। जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कीजिए। और वैसे भी फेसबुक पेज की प्रोफाइल में भी वॉश नाउ का, जहाँ पर ये फॉलोवर लाइक्स शो हो रहे होते हैं ना, वहाँ पर वॉश नाउ का ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। वहाँ पर भी अगर आप क्लिक करेंगे तो सीधा डायरेक्ट आप मेरे यूट्यूब चैनल पे चले जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे भी जाके आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करें, जो भी वीडियो देख रहे हैं, इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी आपके बताए हुए टॉपिक पर वीडियो बनाने की, ठीक है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़। फिर से कह रही हूँ, वीडियो को लाजमन शेयर कीजिएगा सदका जारिया समझ के। अल्लाह हाफिज़।